वचन से हम पढ़कर मनन करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 9:24, पहला कुरिन्थी उसका 9:24, फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 9:24। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਨਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਮੇਂ ਤੋ ਦੌੜਦੇ ਸਭ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखो इधर परमेश्वर के वचन एक विश्वासी के जीवन में एक एथलेटिक्स के जीवन के साथ तुलना करकर उधर ये लिखा है तुम्हारा दौड़ क्या कैसे होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है परंतु इना एक ही ले जाता है। इना एक ही ले जाते हैं चाहे हम बहुत लोग मतलब 1,000 लोग है 2,000 लोग है 5,000 लोग दौड़ रहे हैं चाहे 5 लोग दौड़ रहे हैं चाहे 2 लोग दौड़ रहे हैं तो भी कई लोग दौड़ रहे हैं इना एक ही पाते हैं जो जयवंत होते हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे एक दौड़ को रखा है। परमेश्वर के वचन हमको ये शिक्षा देते हैं हम भी जीतने के लिए दौड़ना। हालेलुया हमारे मकसद ये हो गए हम जीतना। हालेलुया जो जय पाएगा वही हालेलुया मुकुट पाएगा जो जीत पाएगा वही मुकुट पाएगा। बहुत कुछ बातों को हारे लिया बातों को नहीं हमने हारे जीत पाना है। मैं अब आगे हम उसके बारे में देखेंगे। हम दौड़ में है विश्वासी गण एक दौड़ में है आप एक दौड़ का हारे लिया स्टेडियम में है ट्रैक में है हम एक ट्रैक में है हम दिन प्रतिदिन दौड़ रहे हैं रात और दिन दौड़ रहे हैं कई बातों को छोड़कर हम दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं एक ही मकसद है हम इनाम पाना है। हालेलुया हालेलुया हमारा एक ही मकसद है हम स्वर्ग में जाना है। आमेन आमेन हमारा एक ही मकसद है हम स्वर्ग में जाना है। तो ये दौड़ में कई बातें होते हैं उस बात को क्या है इंद्रायणी की पत्री उसका 12:1 इब्रानियों की पत्री उसका 12:1 हिब्रू 14:1 वो प्रांत जदों गवाहां दे इन्ने वड्डे बद्दल ने सानू घेरिया होया है ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਸਭੀ ਧਿਆਨ ਸੇ ਆਪ ਇਸ ਆਇਤ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲੀਜੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਹੋਂ ਕਾ ਐਸਾ ਬੜਾ ਬਾਦਲ ਹਮਕੋ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਨੇ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। इब्रानी की पत्र लिखने वाला ने 11 आयत में विश्वासियों का विश्व लोगों के बड़े लिस्ट बनाने के बाद उसके अध्याय का पहला आयत ही शुरुआत ही आओ हम ये बातों को ये बोलता है गवाहों का बहुत बड़ा एक बादल है इसलिए हम क्या करना चाहेंगे। पहला से एक और पढ़ना इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो हम आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर हर एक
देखो इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक हर एक रोकने वाली वस्तु, पंजाबी में क्या है भार वजन, हमें रोकने वाली वस्तुओं को, जो चीज हमको लेस लगेज से जेनी, जब हमारे लगेज कम हो जाते हैं हमको सफर करना आसान होता है। जितना जितना हमारे साथ बैग है हम उतना उतना चिंता है कहां रखें, कैसे रखें, कब चोर उठाएगा, क्या क्या है, हमको नींद भी नहीं आएगा। कई बार हम लॉन्ग रूट में हम सफर करने के वक्त में हमारे पास ज्यादा है तो एक उठाना भी मुश्किल है, हमको ढोड़ना भी मुश्किल है, हमको कहीं जल्दी से जल्दी जाना भी मुश्किल है, क्योंकि वजन ज्यादा है तो हमारा हालेलुया जाने के किसी भी कम हो जाता है। हालेलुया। इसलिए रसूल पौलुस ने लिखा गया इब्रानी की पत्री रसूल पौलुस के जरिए लिखा है कर कुछ परमेश्वर के दास लोगों ने, हालेलुया थियोलॉजियंस ने विश्वास करते हैं, मैं भी वही विश्वास करता हूं। इसलिए रसूल पौलुस ने ये बोल रहे हैं हर एक रोकने वाली वस्तुओं को, हमारे विश्वास के जीवन में हमें कौन सी ऐसा वस्तु है, कौन सी ऐसा चीज है हमें आगे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए हम कितने कोशिश करते हैं, हमें पीछे खींचने वाली कौन सी ऐसा वजन है, कौन सी ऐसा चीज है, उसको छोड़कर उसको हल फेंक कर हम आगे चलना है। हालेलुया हालेलुया। देखो जब हमारे पास ज्यादा वजन है, हालेलुया वजन है, तो परमेश्वर के हालेलुया पास पहुंचना, परमेश्वर ने जो निशान तक हमें जाने के लिए बोला गया है उधर तक पहुंचना मुश्किल हो जाते हैं, कई वजन होता है। हालेलुया कई वजन होता है परमेश्वर के पास आने के लिए रोक देते हैं। कई लोगों के लिए मां है, क्या हो गया, वो मां बोली थोड़ा सा लेट में जाओ, थोड़ा सा पहले जाओ, थोड़ा सा वो कर जाओ, ये कर जाओ। हालेलुया। और कई लोगों के लिए बाप है, कई लोगों के लिए बेटा है, कई लोगों के लिए बेटी है, कई लोगों के लिए बहू है, कई लोगों के लिए सास है, कई लोगों के लिए ससुराल है, कई लोगों के लिए जॉब है, कई लोगों के लिए अपना बिजनेस है, कई लोगों के लिए अपना ही शरीर है, कई लोगों के लिए अपना काम है, कई लोगों के लिए खाना है, कई लोगों के लिए दोस्त है, ऐसे कई बातें परमेश्वर के और हमें बढ़ने से रोक देते हैं, पीछे के और खींच लेते हैं। मेरे आसों सबसे पहले हम ये पक्का करना, हालेलुया परमेश्वर के और मैं दौड़ रहा हूं, मेरा वजन हालेलुया कम करने के लिए मैं क्या करना, हमें हालेलुया मेरे लगेज कम करने के लिए, मेरे हालेलुया भार कम करने के लिए, वस्तु कम करने के लिए मैं क्या करना, हालेलुया ऐसा दोस्तों के साथ हालेलुया दोस्ती ना रखे जो आपका आत्मिक उन्नति को हालेलुया रोकते हैं, ऐसा लोगों के साथ आपको ज्यादा दोस्त ना रखे आपका उन्नति को रोकने वाला रिश्तेदार, आपका हालेलुया आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए एक काम रुकावट है तो वो काम को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ आप छोड़ देते हैं उसका सौ गुना परमेश्वर आपको इधर भी देगा स्वर्ग भी देगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि एक बार पतरस ने आकर पूछा, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, गुरु हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, हमको क्या मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया क्या मिलेगा, यीशु मसीह ने हालेलुया पाला, उसका प्रचार भी यही था हालेलुया मन प्रभु स्वर्ग की राज निकट है, स्वर्ग के राज हालेलुया उसने हमारे लिए वायदा किया है, अपना खून देकर हमें हालेलुया खरीद कर स्वर्ग के लिए हमें तैयारी कर रहा है हालेलुया। इसलिए हम उस वस्तुओं को छोड़ दें जो वस्तु हमें रोकते हैं। कई लोगों के लिए नशीले पदार्थ है, हालेलुया कई लोगों के लिए नशीले पदार्थ है, कई लोगों के लिए मतलब मैं आने के लिए चाहता हूं अभी समय नहीं है, और बातों में व्यस्त है, और बातों में व्यस्त है, और बातों में व्यस्त है। फिर आंसू
हमको निशान दिया हुआ है हम पहुंचने के लिए, एक ने दिया है कितना टाइम तक पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोगों को हालेलुया 5 साल देते हैं, कई लोगों को 50 साल देते हैं, कई लोगों को 90 साल देते हैं, कई लोगों को 100 साल देते हैं, कई लोगों को 20 साल देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने टाइम तय करना परमेश्वर के हाथ में है, वो नहीं बताएगा। निशान तो पक्का बताया गया है, दौड़ो दौड़ो। हालेलुया, हमारे जीवन में हमने एक पक्का करना, मुझे प्रभु यीशु मसीह के ओर बढ़ने से कौन सी ऐसी चीज मुझे रोक रहा है। हालेलुया हालेलुया। फ्रेंड सर्कल आपका, आपका संगति है, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपका माँ है, आपका हालेलुया बाप है, क्योंकि प्रभु से भी बढ़कर कोई भी नहीं होना। हालेलुया, प्रभु से भी बढ़कर नहीं होना, क्योंकि आप दौड़ का मैदान में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप दौड़ के मैदान में है, आप दौड़ के मैदान में है, आप दौड़ के मैदान में, मैं और आप दौड़ के मैदान में है, हम नष्ट नहीं होना। हालेलुया, हम इधर उधर, आप देखा होंगे एक एथलेटिक्स, आपने हम टीवी में देखते हैं या स्टेडियम में जाकर हम हालेलुया हम एथलेटिक्स देखते हैं, लोग दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं। हालेलुया, दौड़ने के वक्त में आपने एक बात, हालेलुया आपने देखा होगा कोई भी एथलेटिक्स, ये आ गया वो आया ये आ गया, ऐसा कभी भी नहीं देखेगा। उसमें एक ही है आगे, फिनिशिंग पॉइंट, उसका निशान फिनिशिंग पॉइंट होगा। हालेलुया, उसका निशान फिनिशिंग पॉइंट है। जब इधर उधर जाते हैं देखते हैं, इधर उधर देखने वाले के हालेलुया वो पीछे हो जाते हैं, पीछे आने वाले आगे चल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरे असुसों, हम विश्वास, हम मसीही दौड़ में है, विश्वास की दौड़ में है। हालेलुया, हमारा दौड़ को हालेलुया हम पूर्ति करना, हम इनाम पाने के लिए हम दौड़ना है। हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, चर्च में आया है, चर्च में जो देना लेना सब कुछ चल रहा है, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्रता ही नहीं है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम नहीं चल रहे हैं, तो हमारा दौड़ में हम इनाम नहीं पाएंगे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आप, हम सभी को पता है दौड़ने के समय में सभी हालेलुया उस ट्रैक में है, कोर्ट में है, स्टेडियम में है। हालेलुया, सभी ने देख रहे, सभी ने दौड़ रहे हैं, जो फेल हो जाता है, जो लास्ट में होता है वो भी दौड़ते ही है, बैठते नहीं है, वो भी दौड़ते हैं। फिर मन के अंदर एक अपना मसीही विश्वास नहीं, हालेलुया मैं इधर उधर दुनियादारी होने के नहीं है, हालेलुया परमेश्वर के उस पवित्र स्थान तक में पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आप, मेरा भाई नहीं आया, मेरा बहन नहीं आया, मेरे पत्नी नहीं आया, मेरे बाप नहीं आया, मेरा मम्मी नहीं आई, मेरा हाले, आपको कोई हालेलुया ऐसे बहाने लगाने के लिए नहीं होगा। आपका हालेलुया दौड़ना, आपका मन में क्या होना चाहिए, जीतना, मैं जीतना, मैं ये दौड़ में स्टार्टिंग आ गया तो पर जीतना ही है। हालेलुया हालेलुया। ये जो हमें रोकने वाली वस्तु क्या है, वो एक एक व्यक्ति के, एक एक परिवार के, एक एक जगह के संबंध में अलग अलग होता है। हालेलुया, मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे को पता है मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में कौन सी ऐसे बात रुकावट डालते हैं, मेरे सोच है, मेरे देखने का कमी है, मेरे सुनने का कमी है, मेरे बोलने का कमी है, मेरे सोचने का कमी है, मेरे चाल चलन है क्या है, मेरे को पर्सनली मुझको खुद पता है। वैसे आप सभी को हमें कौन सी ऐसी चीज परमेश्वर के वचन के और बढ़ने के लिए रोक रहा है। हालेलुया हालेलुया। उस वस्तुओं को जो आपको वचन देते हैं, भार देते हैं, उस वस्तुओं को आप छोड़ना।
हालेलुया, जो हालेल मटेरियल हालेलुया जो कुछ है उसको छोड़ना। दूसरा है, दूसरा आगे बढ़ना, 12:1 ब्रैनी की पत्री 12:1। इस कारण जब कि कहावों का ऐसा बड़ा बादल हमको पंचर में पहले पढ़ना, उपरांत जदों गवाहां ने इतने बड़े बादल ने सानू घेरिया होया है ता आओ असी भी हरेक भार अते उस पाप नु जेड़ा सहज नाल सानू फसा लेंदा है, जो सहज नाल हमें फसा देते हैं, जो सहज नाल हमें फसा देते हैं। पंजाबी सॉरी हिंदी में ऐसे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करना, पाप को दूर करना। मेरे को पता है मैं कौन सी पाप में फंसा हूं, आपको भी पता है आप कौन सी पाप में फंसा है। हमको नया लिस्ट बना तो हमें बताने के हमें हमको उसके बारे में हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हम ज्ञान नहीं है, सिया नहीं है, हमको पता है कौन सी ऐसे विषय है हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, कौन सी ऐसे हालेलुया हरकत है हमारे जीवन में परमेश्वर को हमारे हमसे दूर करते हैं, कौन सी ऐसा हमारा चाल चलन है हमें स्वर्ग से हमें दूर करते हैं। एक स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद हम सभी को पता ही है मेरे जीवन का पाप का स्वभाव क्या है, मेरे को पता है आपके जीवन का पाप का स्वभाव क्या है, आप सभी को पता ही है, हम सभी अच्छे से जानते हैं हमारे जीवन की हालेलुया पाप छोड़ना। हालेलुया आपका दौड़ पूर्ति करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, हालेलुया मुश्किल हो जाएगा, दौड़ में आपको मुश्किल हो जाएगा, और दौड़ने के वक्त में क्या करना आगे, और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़ना। देखो दौड़ने में भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिस ट्रैक में हमने दौड़ना है उस ट्रैक में हम दौड़ना है। हालेलुया, सभा उपदेशों की पोती, सभा उपदेशों की पत्री, सभा उपदेशों की पुस्तक उसका 9:11 हम इस आयत में वापस आएंगे, ये अभी सभा उपदेश की पुस्तक 9:11 फिर मुड़ के सूरज दे हेठ डिठा पई ना ता काले दे लई दौड़ है ना सूरमे दे लई युद्ध सगो। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो धौट में वैर तोड़ने वाला और ना युद्ध में शोभी जीतते। देखो सुलेमान ने सभा उपदेश लिखने के हुक्म बोल रहा है, मैंने ये बात देखा जो दौड़ में बहुत वेग बहुत स्पीड में बहुत तेज में जो दौड़ता है ये जरूरी नहीं है वो जीतना है। हालेलुया, ये जरूरी नहीं है वो जीतना है, हमको चंद्र पता है पुराना कहानी हालेलुया गर्दोश्वर हालेलुया और किसका कछुआ का हालेलुया गर्दोश्वर कछुआ का कहानी हमको चंद्र पता है, हमारे हम बचपन से ही हमने पढ़े हैं, ये जरूरी नहीं है जो स्पीड में जो दौड़ेगा वो जीते। ब्राह्मण पत्र में क्या लिखा है, जिसमें हम दौड़ना चाहिए धीरज से दौड़ना, जिसमें हम दौड़ना चाहिए उधर दौड़ना चाहिए, ये नहीं है हम स्पीड में दौड़ लिया हम पहुंच गया वो नहीं है, हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर हमने कितना चला ये है मेन, हम कितना साल हम चर्च में गए वो कोई मतलब नहीं है, कितने साल हो गए हम बपतिस्मा लेकर गए कोई मतलब नहीं है, कितने साल हम दसवां दिया दान दिया वो कोई मतलब नहीं है, कितने बार हम फास्टिंग रखा वो कोई मतलब नहीं है, कितने घंटे घंटे तक हमने प्रेयर किया वो कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर वचन के आधार पर कितना चला ये है मैं। हालेलुया, परमेश्वर को वचन के आधार पर नहीं चलाया अपने मन मर्जी से चलने के बाद
चाहे आपने हालेलुया हजार घंटे तक प्रार्थना करो, हालेलुया। आज सवेरे मैं जब वचन सुनने तो नहीं एक आयत एकदम मेरे मन में, मतलब मैं सुन रहा था एकदम मेरे मन में आया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह के पास आकर ये बोल रहे थे, गुरु हमारे साथ जो नहीं है वो एक व्यक्ति ने मतलब जाकर ना वो दुष्टात्मा को निकाल रहा है। तो यीशु से बोले कोई बात नहीं, हमारे खिलाफ तो नहीं है ना, उधर चमत्कार तो हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा है, परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति नहीं चल रहा है। हालेलुया। तेरे आसो हम जिस दौड़ में दौड़ना चाहिए वो उसने दौड़ना चाहिए। हालेलुया। सभा उपदेशक ने बोला क्या है, जो दौड़ने वाले का वेग और वीर शूर का वीर शूरता युद्ध में उसको जय नहीं देते हैं। एक और पढ़ना जी। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला और ना युद्ध में शूर कोई जीते, ना वेग में दौड़ने वाला जो स्पीड में दौड़ता है वो, और वीर शूर युद्ध में जरूरत नहीं है वो जीतना। हालेलुया। मेरे आशीषों प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू से खरीद कर अलग किया है। हालेलुया। उसने हमको कुछ नियम दिया है, उसको हम पालन करना है, क्योंकि उस रास्ता में हमें रखा गया है, वो ट्रैक सीधा स्वर्ग की ओर है। हालेलुया। उस ट्रैक में हमें रखकर बोला इस ट्रैक में ही अब जाना पड़ेगा, इस ट्रैक से ही अब जाना पड़ेगा, इस ट्रैक को छोड़कर इधर उधर जाए तो ये ना सोचे आप पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। जो ड्राइविंग करने वालों को बहुत बड़ा मुश्किल है चंडीगढ़ और दिल्ली, मेरे को जो जानकारी है और बहुत शहर है, क्योंकि जब पूर्ण आते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा लोग मतलब बढ़ रहा है इसलिए गाड़ी भी बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने नया नया पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो नया पुल आ जाते हैं, तो पुल कई बार उसको डायरेक्शन ही बदल कर लेकर जाते हैं, क्योंकि जिनको जाना चाहिए उसके लिए पूरा सुविधा के साथ। कई बार क्या होता है, कई बार हमने उस पुल चढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे से जाना है, तो गलती से वो पुल चढ़ गया, ऊपर चला गया, फिर हमारा रास्ता ही बदल गया। हम कितना भी सोचे हमें उधर पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे, तो बहुत आगे जाकर फिर हमने एक्सिट में निकाल कर फिर वापस आना पड़ता है। हमारे ड्राइविंग में मौका मिलता है तो से नहीं चाहिए, कभी हमको निशान में पहुंच सकता है, मसीह जीवन में मौका नहीं है। हालेलुया। एक बार मरना हाले नहीं होना परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नियुक्त कर का हुआ है। हमें जिस दौड़ में हम दौड़ना चाहिए उस दौड़ में हम दौड़ना। तेरे असो हम कितना साल, मैं पहले बोला कितना साल हमने हाले लिया विश्वास मिलकर बैठा वो नहीं है, कितना समय हम परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्र राय के साथ हमने चला, ये है मेन बात। हाले लिया ब्रह्मी पत्र में हम वापस आएंगे। कई लोग ये बोलते हैं चलो कोई बात नहीं हमको टाइम पास करना, चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत खुदा ने जब तक चलाएगा चलाएंगे, ऐसे मतलब टाइम पास के लिए भी नहीं है, मतलब हम बोलते हैं ना कुछ काम करने के वक्त में बोलते हैं कुछ जुगाड़ बना दे, कोई बात नहीं, वो जुगाड़ वाली बात भी नहीं है। इस नेम स्वर्ग का नेम है, हालेलुया। कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये देने वाला लिखने वाला हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बदलते नहीं है, परमेश्वर बदलते नहीं है, उसका नियम भी बदलते नहीं है। उसने जिस दौड़ के लिए हमें रखा गया है उधर हम दौड़ना है, कहीं से भी दौड़ कर हम पहुंचे कभी नहीं होगा। कई बार मैं एक उदाहरण दिया था, पीटी उषा ओलंपिक्स में, पीटी उषा को हालेलुया एथलेटिक्स में उसको जाना पड़ा,
एथलेटिक्स में जाना पड़ा जान उधर दो समय ट्रैक में हालेलुया सारे दौड़ रहे थे दौड़ते हालेलुया एथलेटिक्स का हालेलुया ट्रैक में सारे देश का हालेलुया जो जितने लोग उधर पार्टिसिपेट कर रहा था सारे हालेलुया दौड़ रहे थे दौड़कर हालेलुया पीटी उषा इंडिया का हालेलुया फ्लाइट के साथ फर्स्ट आ गई फिनिशिंग पॉइंट में आकर हालेलुया फिनिश कर दिया बोर्ड में एकदम ये आ गया जो सेकंड आया वो फर्स्ट है जो फर्स्ट आया वो कैंसर है सारे गैलरी ये पूछने लगे ये क्या हो गया तो पीटी उषा तो सबसे फर्स्ट आ गई वो तो फिनिश किया तो पीटी उषा को तो मेडल देना गोल्ड मेडल देना है फिर क्यों ऐसे हो गया और उस समय दूरदर्शन हमको हारे लिया सब कुछ लाइव दिखाते थे उसके बाद उन्होंने उस बात को स्लो मोशन में दिखाया जिस ट्रैक में जिस नंबर का ट्रैक में पीटी उषा का ट्रैक था ट्रैक को हाले लिया इसने चेंज करके दूसरे ट्रैक में इसने चला गया इसको खुद पता नहीं चला ट्रैक चेंज हो गया फिनिशिंग तो कर दिया ट्रैक चेंज हो गया ट्रैक चेंज होने की वजह से मेडल निकल गया फिर आंसू हमारे भी ऐसा ना हो हमारा भी ऐसा ना हो हम प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया नाम लेकर उसके विश्वास में हमें हालेलुया हमारा सारे बातों को छोड़कर प्रभु के ओर हमें जा रहे हैं हमारे ट्रैक को बीच बीच में हम देखना हालेलुया मैं सही ट्रैक में है या नहीं है मैं कौन सी ऐसा पापों में फंस रहा हूं मैं कौन सी ऐसा आदत में फंस रहा हूं मैं ऐसा कौन सी परमेश्वर के वचन को छोड़कर मैं अपना मर्जी से मैं चल रहा हूं मैं कौन सी ऐसा दुनियादारी में फंस रहा हूं आप अपने आप उसको हालेलुया देखना हालेलुया यदि आपको लग रहा है मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं एकदम आप अपने ट्रैक में आना है क्योंकि ये पता नहीं फिनिशिंग पॉइंट कब है परंतु मैं अभी प्रचार कर रहा हूं मेरा भी फिनिशिंग पॉइंट मेरे को पता नहीं आपका भी पता नहीं है कब परमेश्वर ने बुलाएगा जब यदि मान लीजिए अभी मुझे बुलाया मैं गिर गया मेरा फिनिशिंग पॉइंट अभी है हर एक इंसान के तो फिनिशिंग पॉइंट रखा हुआ है हमारे ट्रैक को हाल चेंज नहीं करना हालेलुया मैं हमेशा एक और उदाहरण लेता हूं एक विश्वासी हालेलुया एक ट्रेन के बराबर है एक अविश्वासी दुनियादारी कार के बराबर है या बस के बराबर है जो सड़क में चलते हैं उसके बराबर है हालेलुया क्योंकि जो कार है कार को मर्जी से ट्रेन कर सकता है मर्जी से पार्किंग कर सकता है मर्जी से हालेलुया इधर उधर जा सकता है कोई बात नहीं है स्पीड कम कर सकता है स्पीड ज्यादा कर सकता है गियर चेंज कर सकता है सब कुछ ड्राइवर के हाथ में है मर्जी से कर सकता है बल्कि ट्रेन का ड्राइवर का ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि बीच बीच में हालेलुया स्टेशन आते हैं स्टेशन का हालेलुया पहले बीच बीच में सिग्नल्स भी है सिग्नल्स क्या बोलेगा उसके हिसाब से चलना हालेलुया चलते 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 सिग्नल दूर से ही हालेलुया रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है ट्रेन का ड्राइवर बोलेगा नहीं 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 मेरे को जाना है नो कभी नहीं जा सकता है जब तक सिग्नल चेंज नहीं होगा ग्रीन नहीं होगा तब तक इस ट्रेन ड्राइवर चाहे 5 दिन है तो भी उधर ही रुकना पड़ेगा हालेलुया नहीं एक ट्रेन एक ट्रैक में है कोई बात नहीं मैं जल्दी जल्दी जा रहा है ना दूसरे ट्रैक में ये गाड़ी में निकाल देता हूँ ऐसा भी निकाल नहीं सकता है क्योंकि इसका ट्रैक को चेंज करने के लिए स्टेशन मास्टर को रखा हुआ है हर एक स्टेशन में हालेलुया उन्होंने उसके ट्रैक को कौन सी ट्रैक में इन्होंने लाइन में जाना है ट्रैक को चेंज करके ऐसे ऐसे लेकर जाएगा क्योंकि सभी का मेहनत का एक ही उद्देश्य है सही जगह में पहुंचे सेफली पहुंचे हालेलुया हालेलुया उधर ड्राइवर का कोई बात नहीं चलेगा उधर ये है सिग्नल के हिसाब से परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में सिग्नल्स देते हैं कई बार चेतावनी देते हैं कई बार हमसे बातचीत करते हैं हमारा ट्रैक हालेलुया अभी चेंज हो रहा है हमारा बोली चेंज हो रहा है कई लोग हालेलुया अभी भी उछाले वाले पापों में फंसे हुए हैं इतने गंदे गंदे गालियां निकालते हैं हालेलुया कई लोग अभी भी शराब पीते हैं अभी भी
घर में झगड़ा करते हैं, अभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अभी भी हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया सम्मुख में टाइम बिताने के लिए कोई हालेलुया रुचि नहीं करते हैं, दुनियादारी होने के लिए बहुत टाइम को निकाल देते हैं। मेरे अजीजों मैं एक बताने के लिए चाहता हूं, मेरे ट्रक को ध्यान दें। हम उस दौड़ दौड़े जो हम इनाम पाना है, हम इनाम पाना है। मेरे अजीजों हम इनाम नहीं पाया, हम हालेलुया हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, कबूल करने के बाद नरक में जाए तो कितने निर्भाग्य लोग हैं हम, कितना निर्भाग्य लोग हैं हम। प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी हम नरक में जाए तो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कुछ भी नहीं लिया, उसने उद्धार फ्री में दिया, अपना लहू हर आखिरी बूंद लहू तक हमको फ्री में दिया। हालेलुया हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने बोलेगा वैसे ही हम दौड़ना पड़ेगा, मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम कहते हैं एक फैमिली है, उस फैमिली को अच्छा मतलब हम सभी जानते हैं, उस फैमिली के बारे में बोलने को हमें सभी पसंद भी नहीं करते हैं। उत्पत्ति की किताब में है, इधर बैठे हुए कोई फैमिली नहीं है, उत्पत्ति की किताब का है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका हालेलुया 19 अध्याय उसका 17 आयत। लूत के घर में दूध होने चला गया, उसके पहले अब्राहम के घर में 19 उत्पत्ति की किताब 19 जेनेसिस 19:17 ता क्यों होया जब उन्हें बाहर ले आए था उन्होंने आख्या अपनी जान ले के भज जा अपने पीछे ना वेखी और सारे दूर विच किते ना ठहरी बाहर भज जा यह ना होवे के तू भस्म हो जावे। पर लूत ने उन्होंने आख्या हे मेरे प्रभु अजिहा ना करना, देखो तुहाडे दास उत्ते तुहाडी कृपा दी निगाह होई है और तुसी अपनी दया नू जो मेरी जान नू जिंदा रखण लई मेरे उत्ते कीती बधाया है, पर मैं मेरी पहाड़ ती नहीं भज सकदा बते मेरे उत्ते कोई बुराई ना आवे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर ना ताकना। हम अच्छा से जानते हैं इसका बैकग्राउंड के बारे में, इसका बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से हम जानते हैं। अब्राहम के घर में स्वर्ग का दूध आ गया, स्वर्ग का दूध अब्राहम के घर में आने के बाद उन्होंने ये बोला हमने जा रहे हैं अभी सोदोम गोमोरा में, उस शहर को हम नाश करने के लिए जा रहे हैं। तो अब्राहम और दूधों के साथ जो बात हो गई हमको अच्छा से पता है। उसके बाद उस शहर में जाने के बाद लूत के घर में जो हो गया वो भी हमको पता है, मैं तो वो बात के बारे में नहीं बोल रहा। उधर जाकर दूधों ने बोला, क्या बोला उधर पढ़ना अपना प्राण लेकर भाग जा, अपने प्राण का रक्षा के लिए भाग जा। तुम जो भाग रहे हैं तुम्हारा प्राण का रक्षा के लिए भाग जा। हमारा विश्वास ही मसीह दौड़ है, हमारे प्राण का रक्षा के लिए अनंत जीवन के और जाना है, नहीं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा नरक में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्राण की रक्षा के लिए जा, आगे बढ़ो जी, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाएगा, तुम भी भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या क्या नहीं देखना, क्या क्या इंस्ट्रक्शन, पीछे की ओर पीछे नहीं देखना। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, मेरे रिश्तेदार आए तो उन्होंने क्या सोचेगा, चलो मैं ऐसा कर देता हूं 5 मिनट प्राप्त कर देता, क्योंकि रिश्तेदार आएगा ना फिर उसके लिए भी कुछ करना है, इसे 5 मिनट कर देता, कोई बात नहीं। खुदा क्षमा करेगा, रिश्तेदार क्षमा नहीं करेगा। कई लोग ऐसे लोगों को रखा हुआ है रिश्तेदार से भी कई गुना नीचे है परमेश्वर, सिर्फ नीचे नहीं है कई गुना नीचे है।
कई लोग सोचिए, कई लोग सोच मतलब कई भोग हो गया, कई शादी हो गया, कई रिश्तेदार के घर में चाह है, उधर उनका खांसी हो गया, ज्यादा बीमा लेवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खांसी हो गया, फिर परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, उधर रिश्तेदार का मतलब है, पीछे नहीं मुड़कर देखना। हमें कहां से परमेश्वर ने बचाया हम समझना चाहिए, पाप के कुंड से हमें बचाया, दलदल की किचड़ से हमें उभारा, चट्टान पे खड़ा कर दिया और नया बीज हमारे मुंह पर दिया, परमेश्वर की स्तुति। तो हमें ऐसे बातों के लिए चुना है तो पीछे क्यों मुड़ कर देखना। कई लोग कई शादियों के लिए जाने का तो मेरे बहुत अद्भुत हो जाता है, क्योंकि जो मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया है, ठीक है जी, हमने प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया है, तो बाकी लोग है उधर का जो रीति जो जिनको विश्वास करते हैं उसके रीति में उन्होंने करना ही है, तो उसको ज्यादा गाइडेंस कौन देते हैं, विश्वासी लोग गाइडेंस देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे करना, वो करना, फिर इनके अंदर कौन सी आत्मा वास कर रहा है, कौन सी आत्मा वास कर रहा है, इन्होंने चोरा क्या, क्या चोरा इन्होंने, क्या चोरा रीति रिवाज नहीं चोरा, फिर रीति रिवाज ना चोरा तो मसीह तो कहां हो गया। यदि मान लीजिए मैं इधर लाइट जलाया, रोशनी नहीं आए तो फिर लाइट का मतलब ही नहीं है, अंधेरा दूर नहीं हुआ फिर लाइट का मतलब नहीं है। हम परमेश्वर को माने तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलने के लिए हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ वायदा किया, हालेलुया, हमने वायदा किया तो उस प्रॉमिस में लास्ट तक रहना, हालेलुया। यदि मान लीजिए आपके पति या आपका पत्नी आपको लगा वो आपको छोड़कर जा रही है, आपको कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, आपका पति या आपका पत्नी आपको छोड़कर जा रहा है, छोड़कर मतलब हमेशा के लिए, अच्छा लगेगा नहीं, नहीं बहुत दुख लगेगा, तो प्रभु यीशु मसीह को आप कैसे छोड़ सकते हैं, धीरे रिवाज के लिए प्रभु यीशु को क्यों कैसे बेच सकता है, दूध ने आकर बोला पीछे नहीं देख रहा, जो कुछ तुमने पीछे कर कर आ रहे हैं, मुहूर्त देखना, समय देखना, रीति रिवाज करना, वो करना, राग बांधना, वो करना, देखो वो अच्छा है जो उनको विश्वास करते उनके लिए अच्छा है, वो उसमें मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, जिसको जिन्होंने विश्वास करता है उनके लिए वो अच्छा है, आपने उसको छोड़ा है ना, छोड़ा तो फिर आप उसके पीछे क्यों जाना, अगर छोड़ा नहीं है आपको उधर जा सकता है इधर आने की जरूरत नहीं है, दोनों बेड़े में जाना क्या होगा, जो दो नाव में जाए तो पानी में गिर जाएंगे, ना उधर ना इधर, फिर पानी सोदोम और गमोरा में आकर बोला पीछे नहीं देखना, आगे ही दौड़ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, हमें जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करें, हमारा दौड़ क्या करना चाहिए, इब्रानियों पत्र में वापस आइए 12 का दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना, हमारा निशान पर यीशु मसीह है, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 का दूसरी आयत पहले पंजाबी में पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी में पढ़ लीजिए, यीशु दे वाल ताकते रहिए जेड़ा नेक्या दा कर्ता संपूर्ण करण वाला है, जिन्हें उसनु
आनंद निमित्त जो ओदे अगे तरिया होया है सी। अविश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस अनंत के लिए जो उसने और जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके। हमारा निशान पर विश्वास, हम थोड़े के मैदान में है, निशान पर विश्वास है। इधर उधर नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, पीछे देखिए तो हाल ही लिया लुतगर भाई को हो गया, वो नून का खंभा बन गई, लज्जा की बात हो गया, सुसमाचार तक उसको खाले दिया, प्रभु यीशु मसीह भी बोला। इसलिए प्रयासों हमारे जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, हमारे दौड़ खाले लिया स्थिर हो गई, हमारे दौड़ स्थिर हो गई, प्रभु के वचन के आधार पर हमारे जीवन हो गए। खाले लिया एक ही बात, नहीं तो ये छोड़ना, नहीं तो दुनिया छोड़ना, दुनियादारी छोड़ना, दोनों में नहीं है, नरक में क्यों जाना, कम से कम शराब हो या जो जो कुछ गलत काम है आराम से करो, अन्य जाति होकर इधर आए तो पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर वचन के आधार पर चलना ही पड़ेगा, कोई एक दो नहीं है। उनके वचन में लिखा है कोई भी हालेलुया दास दो मालिक को हालेलुया सेवा नहीं कर सकता है, दो मालिक को सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के सज्जन में हम अपने आप समर्पण करें, अपने आप हम समर्पण करें। हालेलुया हालेलुया। हम आगे पढ़ने के वक्त में दूसरा कुरिन्थियों दूसरा चार का सात, दूसरा कुरिन्थियों सॉरी दूसरा तिमोथी चार का सात, दूसरा तिमोथी चार का सात, बाहर लेकर जाओ आपको पता ही है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं दौड़ पुकार चटी है, मैं निश्चय दी सांग कीती है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। प्रभु यीशु मसीह का दास रसूल पौलुस ने अपना आखिरी पत्र लिखने के वक्त में अपने जीवन की सफलता के बारे में आखिरी बात बोल रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं अपनी दौड़ पूरी की है, मैं अपनी दौड़ पूरी की है। किस काम के लिए आगे? मैंने विश्वास की रखवाली की है, आगे भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, मेरा मुकुट पाना है, उस दौड़ में मैं पूर्ति किया मेरे को तो मुकुट मिलेगा। सभी आंखें बंद करें, हम दौड़ के मैदान में है, विश्वास के दौड़ के मैदान में है। रसूल पौलुस ने अपने जीवन की आंख के समय में हालेलुया बोला है, मैं हालेलुया मेरा दौड़ पूर्ति कर चुका, हालेलुया मैं मुकुट हालेलुया पाने के लिए लायक हो चुका हूं। फिर हम विश्वास की जिंदगी का दौड़ में है, हमारे दौड़ में हमें कौन सी ऐसी चीज है हालेलुया आगे बढ़ने के लिए हमें रोक रहे हैं, कौन सी ऐसा रिश्ता है, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी हालेलुया बात है आपके परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए रुक रहे हैं। आपका फैमिली का कोई बात है, आपका पर्सनल लाइफ का कुछ बात है, या आपका रिश्तेदार का कुछ बात है, या आपका जॉब का, या आपका बिजनेस का, परमेश्वर बोले इस सब को छोड़े परमेश्वर की और दौड़ना, हम मुकुट पाना है, हमारा निशान कितना पास में है कितना दूर है हम नहीं जानते हैं, एक बात पक्का है
निशान रखा गया है यीशु मसीह हमारा निशान। अपने आप परख कर देखे क्या आप परमेश्वर का परमेश्वर ने रखा हुआ वजन का वही ट्रैक में ही आपका जीवन है। परमेश्वर का वजन आपके जीवन में कितने लाभ है हम नष्ट नहीं होना। जैसे लूत से परमेश्वर का दूत ने बोला पीछे देखे तो भस्म हो जाएगा। हम नरक में जाकर आग कुंड में गिरने के लिए नहीं है और यीशु से अपना आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए इसलिए दिया है हम उसके साथ स्वर्ग में होना। हम अपना मनोरंजन करने के लिए नहीं है हमें इस दुनिया में रखा है। हम अपना हालेलुया इच्छा के अनुसार दुनियादारी होने के लिए नहीं है परमेश्वर ने आज का दिन दिया है। दिन प्रतिदिन उसके वजन के आधार पर हम दौड़ने के लिए दौड़ को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर आत्मा हमको मदद करता है। हम जो छोड़ना है वो छोड़ना ही पड़ेगा जो जोड़ना है वो जोड़ना ही पड़ेगा। परमेश्वर के साथ बातचीत करें अपने आप समर्पण करें केवल एक प्रचार के और ये ना ले परमेश्वर की आत्मा आपसे बात किया इसके हिसाब से ले। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा का धन्यवाद। सभी दिल से बातचीत करें सभी दिल से बातचीत करें। जितने लोग प्रभुजी इसको ऑनलाइन में देख रहे हैं जितने लोग खाली हुए इधर खाली हुए बैठे हैं से बातचीत करें। वचन में सामर्थ्य है वचन में जीवन है वचन मौत से हमें बचाते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद। मुझे मदद और सहाय कर दौड़ पूर्ति करने के लिए मुझे मदद और सहाय कर प्रभु जी जो कुछ छोड़ने के लिए आपने मुझसे बता आया मैं छोड़ने के लिए न मैं लेता हूं प्रभु जी मैं उस मुख पाना है तेरे पास आकर हालेलुया जीवन मुकुट में पाना है तेरे पास आकर मैं प्रभु जी हालेलुया से मुकुट पाना है। हालेलुया मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा मेरे पास ही जी yeah.
सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपने हमसे बातचीत किया इस दौड़ को पूर्ति करने में, जो कुछ छोड़ना है छोड़कर प्रभु जी इस दौड़ को पूर्ति करने में आप मुझे मदद और सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, हालेलुया।